संक्रांति का समय आ रहा है, कुछ ही दिन बाकी है, तो इसमें गुड़ बादाम स्पेशली खाया जाता है क्या? गुड़ बादाम लोग स्वाद स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या? बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है, जो चूड़ा है यार, और हम लोग गुड़ खाते हैं, तिलकुट खाते हैं, दही खाते हैं, तिल खाते हैं, बादाम पट्टी खाते हैं, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। चूड़ा जो है बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। इसमें पोषक तत्व भी काफ़ी हैं, आप इसको संपूर्ण आहार मान सकते हैं, इसको नाश्ता में आप ले सकते हैं, इससे वजन भी आपका कंट्रोल रहता है, कैलोरी भी अच्छा मिल जाता है। दही तक जहाँ तक बात है तो आपके पेट को बहुत बढ़िया बैक्टीरिया देता है, पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, आपके शरीर के लड़ने की क्षमता बनाता है, और एक तरह से उसमें एनर्जी भी होता है, तो आपकी कमजोरी भी दूर होती है, और पाचन से संबंधित जो है दही जो है आपका बहुत अच्छा होता है। गुड़ का जहाँ तक बात है तो महिलाओं के लिए पीरियड की समस्याओं को दूर करता है, और जिनको खून की कमी है उससे उनको फ़ायदा होता है, और इसमें बहुत मिनरल्स भी होते हैं जो है गुड़ में, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जो ब्लड के सर्कुलेशन को भी ठीक लगता है और मुंह को स्वादिष्ट भी बनाता है, और इसका बहुत कोई हानिकारक नहीं होता है, केमिकली इसको बनाया भी नहीं जा सकता है। और तिल जो है इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन के, इन सब चीज़ों का मात्रा प्रयुक्त होता है, जो हृदय रोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है तिल। और जाड़े में तिल का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि जाड़े में ठंड के मौसम में बहुत लोगों को समस्या होती है बार बार पेशाब करने, थोड़ा सा भी पानी पी लिया उनको बार बार यूरिनेशन होगा, तो तिल का प्रयोग करेंगे तो उनको काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा, मसल्स क्रैम्प जाड़ा में बहुत होता है, तो तिल का सेवन करने से उनको मसल्स में मजबूती भी आती है और शरीर में हीट भी रहता है, जिसके कारण उनको मसल्स में पेन भी कम होता है और शुगर की समस्या में भी काफी हद तक इनको फायदा होता है। और इस समय हम लोग गुड़ बादाम का बता दें, गुड़ बादाम जो है, गुड़ और बादाम, बादाम में आपको प्रोटीन हो गया, गुड़ में आपको फास्फोरस हो गया, मिनरल्स हो गया, जो दोनों को मिला के खाने से तो स्वादिष्ट भी होता है। और आयुर्वेद बोलता है कि भोजन जो है थोड़ा कम हो लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए, उससे क्या होता है कि भोजन के जो रस है वो हमारे शरीर को भी मतलब स्वस्थ बनाता है। लेकिन ये सब मकर संक्रांति के दिन ही क्यों? मकर संक्रांति के लिए इसलिए बोला जाता है ना कि जो सीजन में जो चीज़ मिलता है, ये तिल इस समय इसको पाया जाता है, और इसी समय आपको गुड़ का जो मतलब बनता है, ठंडा का मौसम भी होता है, चूड़ा इस समय तैयार होता है, तो प्रकृति जो ऋग्वेद में जो बोला गया है ना कि जो भी चीज़ उस समय उपलब्ध होता है उसको पूजा अर्चना करने के बाद हम यूज करते हैं, मुख्य कारण ये है। जब आप होली के समय आप देखिए तो हम लोग जो होलिका दहन होता है उसमें धान की बाली को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली को चढ़ाते हैं, और जो समय चना होता है उसको चढ़ाते हैं, उसके बाद क्योंकि उस समय वो चीज़ होता है, जो जिस समय होता है उसकी प्रकृति के हम पूजा करते हैं, और एक प्रतीक मात्र है कि आप इस समय यूज करें। हम पोंगल खिचड़ी का सेवन करते हैं तो एक प्रतीक है कि खिचड़ी आप सप्ताह में यूज करें, जिससे आपके पाचन से संबंधित समस्या ठीक रहे, आहार आपका अच्छा रहे, भोजन बढ़िया से बनता रहे, ये है प्रकृति का संदेश।